बुशा साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन करने के लिए सीढ़ियाँ ज़रूरी हैं, तो तहरीक इंसाफ के पास तो ये सीढ़ियाँ हमेशा रही हैं, तो अब ऑपोजिशन और इस सारे विजन को और हुकूमत, ये ऑपोजिशन, ये सारा सिनेरियो जो बना हुआ है, क्या किस नज़र से आप देखती हैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे? मैं जी द काइंड ऑफ अपोजिशन पीटीआई डेड हमने कभी अप्रूव नहीं की, क्योंकि वो तनकीद बराए तनकीद थी, देर वॉज नो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और मेरा ख्याल से इससे टाइम मनी एवरीथिंग गेट्स वेस्टेड। हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी, हम आज असेंबलियों में भी, कल हमने ओथ इसलिए लिया बिकॉज हम टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहे आवाम का। हमारी क्रिटिसिज्म जो है वो पीटीआई का जो मैंडेट है उसको ऑन ट्रैक रखने के लिए होगी, और उनको हर मौके पर याद कराएंगे कि जो वोट लेके आए हैं आवाम से उसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइए कि अपोजिशन सीढ़ियों पर या सड़कों पर कैसे पॉलिसी से क्या करेंगे? देखें, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माजी में हुआ, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा उससे इज्तनाब करना है, और जो माजी में बड़े अदब से अर्ज करूँ थूक के चाटा गया, कहा गया कि इस असम्बली पे लानत है, और फिर उस असम्बली के मेंबर बनने के लिए भाग भाग के कोशिश की गई, कहा गया कि इस असम्बली पे 100 दफ़ा लानत भेजते हैं और इस्तीफ़ा देते हैं, और शेर रशीद साहब जैसे मदारी जो है इस्तीफ़ा देने के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वो काम हम नहीं करेंगे। इशूज़ पर बात करेंगे, इशूज़ पर पॉलिटिक्स करेंगे, अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन जो मामला हेल्थ के शोबे से वाबस्ता रहे, तो आपने कोई ऐसी वैक्सीनेशन तैयारी नहीं की जो आज़ाद उम्मीदवारों को पिलाई जा सकती, और तैयारा भी हवा में नहीं कोई किया, चार्टर तैयार भी बंद पड़े रहे, ये क्या किया आपने? जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो हमने ये अहद किया था कि अब हम ऐसी कोई वैक्सीनेशन इजाद नहीं, डेंगू स्प्रे नहीं किया आपने, क्या किया आपने? मेरा ख्याल है कि ये नए पाकिस्तान वालों को जेब देता है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह वाले कायद के पाकिस्तान में रहते हैं, हमें ये चीज़ें अब जेब नहीं। छांगा मांगा की सियासत आप लोगों ने शुरू की, मैंने वही आपसे की कि जब मिसाक जमहूरियत किया था तो कौम से इस पर माफ़ी मांगी थी, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, तो वो गलती थी और उस पर माफ़ी मांगी, और उसके बाद दोबारा ऐसी कुछ मजीद माफियों की गुंजाइश है। देखें, आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, मैं इस बात पे मैं एज ए जमहूरी कारकुन बड़ा खुशी फील कर रहा हूँ कि वो लोग अब एक्सपोज होने वाले हैं कि जो लोगों को बेचारों को नया पाकिस्तान दिखा के तब्दीली के नारे लगा के बेवकूफ़ बनाते थे, आज आप देखेंगे पुराने पाकिस्तान में यहाँ सब पैदल चल के आते थे, नए पाकिस्तान में आज यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोटोकॉल कल्चर और वीआईपी कल्चर क्या होता है। हम तो आज भी पैदल आ रहे हैं, कल भी पैदल आए थे असेंबली में, लेकिन इन लोगों को पैदल आने की आदत नहीं है, ये चाहे गवर्नर हाउस की बात करें, ये गाड़ियाँ दिखाएं जी, ये चाहे गवर्नर हाउस की रहने की बात करें, चाहे आप देखें इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बनीगाला रहूंगा, फिर बनीगाला से वो स्पीकर हाउस आए, स्पीकर हाउस से वज़रा कॉलोनी आए, आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस के मिलिट्री सेक्टर के कमरे में आ गए हैं, इंशाल्लाह तआला आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम में भी आएंगे। अभी थोड़ी देर तक हमजा साहब की गाड़ी भी तो अंदर ही आएगी। देखें, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, राकिन असेंबली की बात कर रहा हूँ, एक आधी जो दो गाड़ियां आती हैं वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतनी गाड़ियां आपने कभी पुराने पाकिस्तान में नहीं देखी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए खान साहब कि अभी तक तो नाम आपका लिया जा रहा है, तो आपको क्या पता चला है? आप तो यही कहते हैं कि अल्लाह वारिस, कल भी हमारी बात हुई, हाँ, जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, कोई गरज चमक, कोई पत्ते खटकना, कोई ऐसी चीज़ इंडिकेशन आपको हो जाती है, हसास आदमी हैं आप? बात यह है कि इंडिकेशन मुझे बिल्कुल कोई नहीं है। देखें, ये वो फैसले हैं, मुझे ये जो फील हो रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब ने ही हैज़ केप्ट हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट, क्लियर हो गई बात, तो मेरा ख्याल है हमारी जो हार्ट बीट आपको थोड़ी बहुत बार सुनाई दी हो, कुछ नहीं, हार्ट बीट मुझे बिल्कुल, चेहरे का तासुर, मुलाकात भी हुई नहीं, बिल्कुल चेहरे का तासुर नहीं, शफकत का पहलू नजर आया हो, अब आप जो ज्यादती ना करें शफकत का पहलू है, वो मेहरबानी करते हैं, प्यार करते हैं सारी पीटीआई से, सारी एमपीएस से, एमएनएस से, बट जो ये है ये प्योरली उनकी डिस्क्रिशनरी पार है, और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें वेट करना चाहिए, जो मेरी अपनी जाती राय है कि टुमारो इज़ इंशाल्लाह 17th, और कल शाम तक ये डिसाइड हो जाए। अगर आप सीएम आ जाते हैं तो विजन आपका क्लियर है, आप डिलीवर कर सकेंगे, आप तैयार हैं इसके लिए? देखें, हमने विजन वही अपनाना है जो हमारे चेयरमैन का विजन है, हमने अपने चेयरमैन का विजन, हमारा मेन जो इस स्लोगन था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट, जब पार्टी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है सीएम के तौर पे, पुलिस कल्चर का क्या करेंगे? नहीं, इधर सिर्फ पुलिस कल्चर तो नहीं है, यहाँ देखें लोगों को साफ पानी नहीं है, पुलिस कल्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, हमने लोगों को वो इंसाफ देना है कि जो नज़र आए, तो ये पॉलिसीज़ और ये चीज़ें तो तब आएंगी ना कि जब वो स्टेज आएगी, तो हम उस पे इत्तफाक करते हैं कि जो चेयरमैन का फैसला हमारा वही फैसला ऑब्वियसली, और जो एंड और जो हमारे चेयरमैन हैं उनको
फैसला करने दें कि वो किसको कहीं जहां भी उसकी प्लेसमेंट करते हैं, मेरा ख्याल है उनका फैसला। आखिरी सवाल खान साहब वो ये कि आप फर्ज करें सीएम बन जाते हैं, अब आप कहेंगे मेरे मुंह में घी शक्कर दिल में कह रहे होंगे इंशाल्लाह, फर्ज कर लें ये आप कह रहे हैं आप अच्छा चलें चलें ठीक है, फर्ज कर लें आप सीएम बन जाते हैं, तो आपका स्पीकर हर 10वें दिन नैब में पेशियां भुगत रहा हो तो ये लोग उंगलियां उठाएंगे आप पे। अच्छा ये देखें, जब सीएम जो बनेगा ना तो ये सवाल उससे करें ना, अभी से तो मेरे साथ मत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रक्स तो जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के नावाकिफे आदाब शहनशाही है। मुझे ये बताएं कल कल की जंजीरें ज्यादा पसंद है कि मीडिया वालों को? आप खूबसूरती उसमें लगते हैं। वो ठीक है, वो कायद का हुक्म था। करें पैंट कोट। मेरी बात सुने ना, मैं इंजीनियर खरीदे। मेरे कायद का हुक्म था, मेरे कायद का हुक्म था, मियां शबाज, मियां हमजा शबाज ने मुझे ये ऑर्डर किया कि हम ये चुके जंजीर पहननी है। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं नहीं, उन्होंने ऑर्डर किया कि जंजीरें काल नहीं आपने पहन के आनी, क्योंकि हमने अभी अपने हाउस के तकद्दस को पमाल होने से बचाना है, हमने कोऑपरेट करके इस हाउस को चलाना है, और ये पाकिस्तान के पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ की आवाम बड़ी ईमानदार है, यहाँ की आवाम बड़ी जियाली है, यहाँ की आवाम बड़ी इनकलाबी है, यहाँ की आवाम बड़ी सोच वाली मालिक है, और इन लोगों के साथ हमने मिलकर अपने इस पंजाब को खूबसूरत बनाना है, और अगर ये किसी किस्म की कोताही करेंगे तो हम डंके की चोट पे इनका मुकाबला देंगे। अगर आप अगले इलेक्शन तक ये जंजीरियों का तसलसल बरकरार रखते तो पाकिस्तान में आपको बड़े बड़े खिताबात और वादे से मैं बात बताता हूँ, ये जंजीरें उतर गई हैं ना, ये जंजीरें दोबारा भी पहनी जा सकती हैं, लेकिन अभी आपने अभी अपने वोट का कास्ट करना है, अभी आज का दिन कल का दिन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये बड़ा एहतजाज होता पब्लिक के साथ, बड़ा एहतजाज होता जंजीर पहन के वोट कास्ट किया। पब्लिक पब्लिक का मसला है कि अगर पब्लिक को इन्होंने सही तरीके से पब्लिक की खिदमत ना की तो जंजीरें दोबारा भी पहनी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्पीकर के इंतखाब के बाद सस्पेंस बरकरार है, और वो सस्पेंस है कि इनफैक्ट पंजाब को गवर्न कौन करेगा, पंजाब का हेड कौन होगा और कौन सीएम होगा, और इसका फैसला भी होने वाला है, और सीएम का इंतखाब भी जो है वो भी अब सर पर है, और वो घड़ियां दूर नहीं रही जब पता चल जाएगा कि सीएम कौन होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा सीएम के लिए वो ये होगा कि डिलीवर करना होगा, हनीमून पीरियड नहीं होगा ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके, और ऐसी रवायात भी होनी चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत ये सब मिलकर आवाम के इश्यूज़ पर सियासत करें और आवाम के इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करें, और गरीब आदमी तक उसका हक पहुंचना शुरू हो और उसको वसायल मिलना शुरू हो, ताकि मायूसी के जो घटाटोप अंधेरे हैं ये उम्मीद और रोशनी में बदल जाएंगे। बादशाह बाद खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।